नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। तो यार, आप लोग कैंग द कॉन्करर को जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि वो क्या कर सकता है और उसकी पावर्स क्या है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर कैंग का सामना मून नाइट से हो तो? वेल, आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे। इस कॉमिक्स का नाम है मून नाइट एक्स ऑफ इविल और ये एक वन शॉट सीरीज है जहाँ कैंग मून नाइट से पंगा लेने वाला है और ये पंगा उसे कितना महंगा पड़ेगा और आगे क्या होगा ये तो हमें इस कहानी में पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत होती है 2500 BC इजिप्ट में, जहां हम उस समय के मून नाइट को देखते हैं जो कोंशु के टेंपल में आता है और वो कोंशु के फॉलोअर से कहता है कि आज हम अपने मालिक को बुलाएंगे ताकि वो हम पर अपनी कृपा बरसाए। हमारे पास ये तीन चीजें हैं। पहला है स्क्रैप, जो समय के साथ खेल सकता है। दूसरा है एंक, जो समय को कंट्रोल करने का ज्ञान देता है। और तीसरा है सेप्टर, जो समय पर फोकस करता है। तभी हम देखते हैं कि मून नाइट कोंशु की मूर्ति के सामने खड़ा है और कहता है कि हे कोंशु, हम ये तीनों चीज आपको देना चाहते हैं। आपको, जो रात के मुसाफिरों के रक्षक हो, और आप ही समय यात्री के गार्डियंस हो, और आप ही हो जो इस ताकत को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन तभी उन पर कैंग के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं और वे लोग कहते हैं कि इन लोगों के पास हमारे मालिक के टोटेम्स है और इसके लिए इन लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी इजिप्शियन मून नाइट उन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और कोंशु के फॉलोअर से कहता है कि जल्दी जाओ और ये टोटेम अपने साथ ले जाओ और कहीं पर छुपा दो। ये कहते ही वो फॉलोअर्स उन तीन टोटेम्स को लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक तेज झटका लगता है और वे लोग वही मर जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाला कोई और नहीं, कैंग है, जो वहां आ चुका था। और वो कहता है, क्या कहा? सिर्फ गॉड? मुझे भी गॉड कहते हैं। और तुम्हारा कोंशु समय के लायक नहीं है। समय के लायक तो सिर्फ एक ही है और वो हूं मैं, कैंग द कॉन्करर। तभी इजिप्शियन मून नाइट कैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन कैंग के सोल्जर्स उसे पकड़ कर रखते हैं। तभी मून नाइट कैंग से कहता है कि तुम धोखेबाज हो और खूनी हो और ये टोटेम तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन कैंग उन तीनों टोटेम्स को लेता है। लेकिन तभी मून नाइट अपने वेपन्स कैंग पे मारता है, लेकिन कैंग को उससे कुछ खास असर नहीं होता है। और वो मून नाइट से कहता है कि तुम्हें डर महसूस होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा गॉड भी मुझसे डरता है। ये कहते हैं कैंग वो तीनों टोटेम लेकर टाइम स्ट्रीम के बाहर आ जाता है। लेकिन तभी कैंग देखता है कि कैंग के सामने कोंशु खड़ा था, जो कैंग से पूछता है, ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने मेरे चर्च को अपवित्र क्यों किया जब मैं तुम्हारे साथ था? जिस पर कैंग कोंशु से कहता है, कोंशु, आखिरकार तुम आ गए, देख लो, ये अंत भी है और शुरुआत भी। जिस पर कोंशु कैंग से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें देखते आ रहा हूँ और उन सारे ट्रैवलर्स को भी, जो सब मेरे बच्चे हैं। जिस पर कैंग गुस्सा होकर कहता है, मैं तुम्हारी कोई औलाद नहीं हूँ, देखो तुम कितने लाचार हो, तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि ये आर्टिफैक्ट्स मैंने बनाए थे, लेकिन तुम्हारे नन्हे शागिर्दों ने उन्हें मुझसे चुराया और मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं इन टोटेम्स का इस्तेमाल करूंगा और अब मैं समय में ट्रैवल से भी ज्यादा कुछ करूंगा क्योंकि मैं अब समय को एक नई दिशा दूंगा। लेकिन तभी कैंग देखता है कि वो तीनों टोटेम कैंग से अलग हो चुके थे और कैंग ये देखकर चिल्लाने लगता है। तभी कोंशु कैंग से कहता है कि तुम्हारे ये तीनों टोटेम समय में कहीं खो गए हैं और वो अब समय में कहीं मेरे किसी अवतार के पास है जो इसकी रक्षा करेगा और तुम्हें कभी नहीं देगा। लेकिन तभी कैंग हंसने लगता है और कहता है कि मैंने ये आर्टिफैक्ट कुछ ही पल के लिए इस्तेमाल किए थे, लेकिन अब भी मैं समय के साथ खेल सकता हूँ और अब मैं कोंशु को एग्जिस्टेंस से मिटा दूंगा। ये कहते ही कैंग टाइमलाइन को चेंज कर देता है और अपनी खुद की नई टाइमलाइन बनाता है जिसमें वो सब कुछ है। फिर हम कैंग के नए टाइमलाइन में आज के समय में देखते हैं, जहां पर हमें मून नाइट की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि जब मैं जाग जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं किसी नाइटमेयर में हूँ। मुझे एक अलग रियलिटी याद आती है जब मैं स्ट्रीट पर क्राइम से लड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ गलत है और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेरी दुनिया नहीं है और मुझे जो हीरोज याद थे
उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मून नाइट कुछ लोगों को कैंग के सोल्जर्स से बचाता है। तभी मून नाइट कैंग के सोल्जर्स को मारकर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें यहाँ खुले में नहीं घूमना चाहिए था, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तुम लोग मारे जाते या फिर तुम्हारे साथ उससे भी बुरा होता। ये कैंग की सिटी है और ये बहुत ही बुरी है। तभी एक कोंशु का फॉलोअर मून नाइट के पास आता है और मून नाइट से कहता है कि मून नाइट हम में से कुछ लोगों को लगता है कि आप सिर्फ एक मिथ हो। जिस पर मून नाइट उस आदमी से कहता है कि हाँ मैं मिथ हूँ क्योंकि कोंशु यहाँ नहीं है और वो हमें छोड़कर गए हैं। जिस पर वो आदमी मून नाइट से कहता है कि नहीं आपको गलतफहमी हुई है और आप तो खुद ही एक पवित्र हस्ती हो। तभी वहाँ कोंशु आ जाता है और मून नाइट से कहता है कि क्या तुमने ये देखा, ये दुनिया वो नहीं है जो होनी चाहिए और समय भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। कैंग ने इस समय के साथ छेड़खानी की है और मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर मून नाइट कहता है कि हाँ इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया मेरी नहीं है। तभी कोंशु मून नाइट से कहता है कि तुम जानते हो यह सच नहीं है माफ, कैंग ने उन सबको एग्जिस्टेंस से मिटा दिया है जो उसके लिए खतरा है और उसने ये हमारे साथ भी किया, लेकिन उसकी मेहनत पानी में गई क्योंकि वो भी प्रिस्ट ऑफ मून के कारण। तभी मून नाइट कोंशु के फॉलोअर से पूछता है कि क्या तुम कोंशु को देख पा रहे हो। जिस पर वे फॉलोअर कहते हैं कि नहीं हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम उन्हें मानते हैं, ये लोग दरअसल में प्रिस्ट ऑफ मून है। तभी हमें कैंग की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि प्रिस्ट ने मुझे सब डिटेल में बताया कि कैंग ने रियलिटी बदल दी है और मैं कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कैंग के रियलिटी में कुछ खामियां है और वो ये है कि समय और स्पेस में थोड़ी खला है और हमें ये ध्यान से देखनी होगी तो ही वो खला हमें दिखाई देगी। तभी मून नाइट उन फॉलोअर्स के साथ कहीं पर आता है। तभी वो फॉलोअर कहता है कि हम ट्रैवलर्स हैं जो अंधेरों में घूमते हैं और खुद को बचाते हैं। यहाँ के स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि कैंग ने जब समय बदला तब कोंशु वहाँ था और इसी कारण कैंग उनका फेथ नहीं बदल पाया और इसी कारण तुम ही अकेले हो जो इन खलाओं को समय में देख सकते हो और इसका इस्तेमाल कर तुम कहीं भी जा सकते हो। तभी मून नाइट उन खला को देखता है और उन फॉलोअर्स से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह कहते ही मून नाइट उस खला से किसी और समय में चला जाता है। फिर हम 1874 देखते हैं जहाँ उता में कैंग ने अटैक किया था क्योंकि वहाँ पर एक टोटेम है जो उस समय के गनस्लिंगर मून नाइट के पास है। तभी कैंग उस समय के मून नाइट पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मून नाइट भी कम नहीं था, वो कैंग को कड़ी टक्कर देता है। तभी हम देखते हैं कि इसी बीच एक वाइन की बोतल फूट जाती है और उसमें से वाइन फैलने लगती है। तभी गनस्लिंगर मून नाइट अपनी गन से कैंग पर बुलेट फायर करता है, लेकिन कैंग उस बुलेट को रोक लेता है और गनस्लिंगर मून नाइट से कहता है कि तुम्हारी ये खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये कहते ही कैंग वो टोटेम लेने लगता है और कहता है कि एक बार ये एंक मेरे पास आ गया तो बचे स्क्रैप और सेप्टर भी मुझे मिल जाएंगे। लेकिन तभी उसी फैली हुई वाइन से एक पोर्टल खुलता है और उससे मून नाइट आ जाता है। तभी मून नाइट कैंग पर अटैक कर देता है और कैंग से कहता है तो ये तुम्हारा प्लान है, एंक स्क्रैप और सेप्टर जो समय में कहीं खो गए हैं। तभी मून नाइट और गनस्लिंगर मून नाइट मिलकर कैंग पे अटैक करते हैं, लेकिन कैंग एक ही झटके में मून नाइट का गला पकड़ता है और कहता है कि तुम और तुम्हारे वेरिएंट्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, ये चीज मेरी है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन तभी गनस्लिंगर मून नाइट कैंग का गला पकड़ता है, लेकिन तभी कैंग वही बुलेट्स जो गनस्लिंगर मून नाइट ने कैंग पर मारे थे वही बुलेट फिर से गनस्लिंगर मून नाइट पर मारता है, जिसके कारण गनस्लिंगर मून नाइट वही पर घायल हो जाता है। तभी कैंग मून नाइट को वहां फेंक कर वो एंक ले जाता है। मून नाइट गनस्लिंगर मून नाइट के पास आता है और पूछता है भाई तुम ठीक हो। जिस पर गनस्लिंगर मून नाइट कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन कैंग को वो टोटेम ले जाने मत दो। लेकिन तभी कैंग इन दोनों मून नाइट से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही कैंग किसी और समय में चला जाता है। यहाँ मून नाइट गनस्लिंगर मून नाइट के साथ था कि तभी वहाँ कोंशु आ जाता है और मून नाइट से कहता है कि कैंग अब दूसरे टोटेम की ओर निकला है तो जल्दी जाके उसे रोको। ये सुनते ही मून नाइट दूसरे टोटेम को ढूंढने निकलता है। फिर हम 1945 में जर्मनी देखते हैं जहाँ पर उस समय का वर्ल्ड वॉर 2 मून नाइट नाजिस को मारने में लगा था कि तभी आसमान से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से मून नाइट आ जाता है। तभी मून नाइट भी अंदर आ जाता है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 मून नाइट नाजिस को मार रहा था और देखता है कि एक नाजी के पास वो स्क्रैप है। तभी मून नाइट उस नाजी पर अटैक करता है जिसके कारण वो स्क्रैप कहीं पर गिर जाता है।
तभी दोनों मून नाइट मिलकर सारे नाजीस को मार गिराते हैं। लेकिन तभी वही नाजी उस क्रैब को उठाकर भागने लगता है और वो किसी के सामने आकर गिर जाता है जो कोई और नहीं कैंग है। तभी कैंग उस नाजी को मार डालता है और वो स्क्रैप को ले लेता है। तभी दोनों मून नाइट कैंग पे अटैक करते हैं। तभी कैंग मून नाइट को देखकर कहता है कि तुम वापस आ गए। लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर टू मून नाइट कैंग के हाथ को पकड़ लेता है और मून नाइट से कहता है जल्दी से स्क्रैप को कैंग से अलग कर दो। तभी मून नाइट वो स्क्रैप छीनने लगता है। लेकिन तभी कैंग वर्ल्ड वॉर टू मून नाइट को फेंक देता है और मून नाइट से कहता है कि तुम भले ही ये स्क्रैप लेकर जाओ लेकिन फिर भी मैं वापस आऊँगा इसे लेने के लिए क्योंकि मेरे पास एंक है। लेकिन तभी मून नाइट उस समय से चला जाता है। अब स्क्रैप होने के कारण मून नाइट समय में कहीं पर भी जा सकता था लेकिन उसे पता नहीं था कि किस समय में वो आखिरी टोटेम है और किस अवतार के पास है। इसीलिए मून नाइट को वो हर एक समय में जाना पड़ रहा था। लेकिन कैंग भी मून नाइट के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है। तभी मून नाइट 300 BC रोम में आता है जहाँ पर वो और रोमन मून नाइट मिलकर कैंग को हराते हैं। फिर मून नाइट 1776 में बॉस्टन में आता है जहाँ वो और रिवोल्यूशनरी मून नाइट मिलकर कैंग को रोकते हैं। फिर मून नाइट 1925 में शिकागो आता है जहाँ पर वो और गैंगस्टर मून नाइट मिलकर कैंग को रोकते हैं। उसके बाद मून नाइट 1896 में लंदन में आता है जहाँ पर वो और विक्टोरियन मून नाइट मिलकर कैंग को रोकते हैं। फिर मून नाइट 1710 में नॉर्थ अटलांटिक में आता है जहाँ वो और पायरेट मून नाइट मिलकर कैंग को हराते हैं। उसके बाद मून नाइट 2134 में न्यूयॉर्क में आता है जहाँ वो और फ्यूचर वाला मून नाइट मिलकर कैंग को रोकते हैं। लेकिन तभी कैंग अपने एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट से उन दोनों मून नाइट को बिल्डिंग में फेंक देता है जिसके कारण दोनों मून नाइट बेहोश हो जाते हैं। तभी कैंग मून नाइट के पास आता है और वो स्क्रैप ले लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मून नाइट फिर से कैंग पर अटैक कर देता है और इसी चक्कर में कैंग और मून नाइट टाइम स्ट्रीम में घुस जाते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी कैंग मून नाइट से लड़ते हुए कहता है कि मूर्ख मैंने ऐसे कई सारी लड़ाई लड़ी है और इन सब का आउटकम एक ही होता है और वो ये है कि तुम लोग हमेशा मेरे सामने हारते हो और तुम्हारा ये धर्म मिट जाएगा और सारे गॉड्स और सारे किंग्स और सारे हीरोज सब के सब मिट जाएंगे और ये सारा समय मेरे लिए खिलौने जैसा है। जिस पर मून नाइट कैंग से कहता है कि तुमने भले ही मुझ जैसों को मारा होगा लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन तभी कैंग मून नाइट को टाइम स्ट्रीम के बाहर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि मून नाइट 4000 BC मेसोपोटामिया में आ जाता है जहाँ पर वो उस समय के मून नाइट से मिलता है जिसके पास वो तीसरा आर्टिफैक्ट है। लेकिन तभी कैंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये आर्टिफैक्ट मुझे दे दो। लेकिन तभी वे दोनों मून नाइट कैंग पर अटैक कर देते हैं। तभी कैंग उस समय के मून नाइट को उठाकर फेंक देता है और मून नाइट से कहता है कि अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये कहते ही कैंग वो सेप्टर अपने पास बुलाने लगता है। लेकिन तभी मून नाइट बीच में आकर वो सेप्टर कैंग से छीन लेता है। लेकिन इसी दौरान वे तीनों आर्टिफैक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे और इसी का एडवांटेज मून नाइट उठा लेता है और अपने सारे वेरिएंट्स को वहीं पर बुलाता है और अब सेप्टर मून नाइट के पास था। तभी वे सारे मून नाइट के वेरिएंट्स मिलकर कैंग पे अटैक करते हैं जिसके कारण कैंग का उन बाकी आर्टिफैक्ट से कंट्रोल छूट जाता है और वो आर्टिफैक्ट्स नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी ये देखकर कैंग कहता है नहीं ये मेरी दुनिया है और ये समय मेरा है। लेकिन तभी मून नाइट का एक वेरिएंट कैंग को रोक के रखता है। तभी मून नाइट उन तीनों आर्टिफैक्ट्स को कंट्रोल करता है और जो टाइमलाइन कैंग ने बिगाड़ी थी उसे ठीक कर देता है। अब फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो चुका था और तब कोंशु मून नाइट से कहता है कि यही वो दुनिया है जो होनी चाहिए लेकिन कोई जान नहीं पाएगा कि क्या हुआ था। जिस पर मून नाइट कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो कभी कोई जान नहीं पाएगा। जिस पर कोंशु मून नाइट से कहता है कि इस बात का अफसोस मत करो और ये बात याद रखो कि कैंग हमेशा टाइम में फंसा नहीं रहेगा, वो कभी ना कभी बाहर ज़रूर आएगा और वो फिर से इन आर्टिफैक्ट्स के लिए आएगा। तुमने सही फैसला किया कि ये सारे आर्टिफैक्ट्स मेरे पहले अवतार को देने का और अब वो ही इसे सुरक्षित रखेगी। तभी मून नाइट कहता है कि सिर्फ कैंग ही नहीं वो मून नाइट भी पहले जैसी नहीं रहेगी और अब वो ऐसे प्रिस्टेस है जिसका कोई गॉड नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।